आप इसे अपने सेटअप में कैसे यूज में ले सकते हो एंड इसका एक बड़े लेवल में कैसे यूज में आता है ये चीज़ जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ ऐसे ही बड़े लेवल में आते हैं जो चेंज जो चीज़ यहाँ पे यूज हो रहा है उसके जगह में हम लोग ओएटी यूज़ करते हैं जो कि आपका लोकल अभी जो वेंडर्स वगैरह होते हैं बीएसएनएल वगैरह का या फिर लोकल आईएसपीज़ वगैरह होते हैं वो लोग इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो एक छोटा मोटा आपको टेक्निकल टर्म्स में नेटवर्किंग का एक आइडिया हो जाएगा कि फाइबर के थ्रू कैसे नेटवर्किंग किया जाता है। तो उम्मीद है आपसे वो वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले यार ये अपन का चैनल है एंड इसको तुम लोग सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट इस चैनल में मिलते हैं। एंड तो यहाँ पे देख सकते हो टावर रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो तो ये नया मैंने अपना इस चीज़ का एक बी रोल डाला था, तो वो चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो खैर अभी हम लोग मुद्दे की बात में आते हैं। तो यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर, एक नहीं दो मीडिया कन्वर्टर बेसिकली, ये जो है ये हमारा बी साइड का है एंड ये फाइबर में आपको 25 किलोमीटर तक एक फाइबर लेइंग करने के बाद 25 किलोमीटर तक आपको डेटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा एंड ये हम लोग का ए साइड है। तो ये बी हो गया, ये हो गया, ये ट्रांसमिशन करेगा, ये रिसीविंग करेगा। यहाँ पे ये देख सकते हो ये भी 25 किलोमीटर तक आपका वो करेगा, डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है एंड ये 25 किलोमीटर में जो एंड साइड में लगेगा ये है जिसमें आप 25 किलोमीटर के बाद जो डेटा आ रहा है ये इसे रिसीव करेगा। यहाँ पे देख सकते हो लिंक एटीसी है, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स एमडीएक्स पावर ये सब है। तो ट्रांसमिशन वगैरह का जो भी इंडिकेशन है 6 लाइट्स होते हैं, इसमें भी 6 लाइट्स होते हैं। जैसे ही कनेक्शन बन जाए मैं बेसिकली आपको दिखाऊंगा, जैसे ही जब कनेक्शन बन जाता है ना तो आपका ये 6 के 6 लाइट जल जाएंगे दोनों एंड में। यहाँ पर करेंटली एक मीडिया कन्वर्टर चल रहा है जो कि मेरे भाई के रूम में चल रहा है, तो ये मैंने एक फाइबर से कनेक्शन दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अभी यहाँ पे एक चीज़ आता है जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट में लेने का बात होता है जो कि आता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या होता है? तो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन को हम लोग डुप्लेक्स बोल सकते हैं, इन सिंपल वर्ड में तुम्हें समझा रहा हूँ। इसमें सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है एंड फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में जो कि हम लोग डाउनलोडिंग काम, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो हम लोग डीटीएच कनेक्शन हो गया, डीटीवी का कनेक्शन हो गया, वो सब सिंप्लेक्स होता है। मीन्स आप डाटा रिसीविंग करो, सिर्फ रिसीविंग करो, डाउनलोडिंग करो, तो वो सिंप्लेक्स कनेक्शन में चलेगा। हाफ डुप्लेक्स में होगा क्या कि आप एक ही टाइम में आप रिसीव करोगे एंड दूसरे टाइम में आप ट्रांसमिशन करोगे, एट अ टाइम नहीं होगा। मीन्स आप जब आपके पास रिसीविंग हो जाएगा फिर उसके बाद आप ट्रांसमिशन करोगे। उसके बाद फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में होता है कि आप एट अ टाइम मल्टी काम कर सकते हो। मीन्स ट्रांसमिशन भी होगा, रिसीविंग भी होगा, ठीक है, डेटा डाउनलोडिंग होगा और अपलोडिंग भी होगा, तो इसे फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। कंपनी इसे क्लेम करते फुल हाफ डुप्लेक्स मीडिया कन्वर्टर है, बट मोस्टली मतलब मुझे नहीं पता कि ये फुल डुप्लेक्स है कि नहीं है, मतलब इसका कोई, क्योंकि ये आप इसे कोई सेटअप नहीं कर सकते, ये जस्ट प्लग एंड प्ले चीज़ है। तो कंपनी बस क्लेम करता है कि फुल डुप्लेक्स, फुल हाफ डुप्लेक्स सिस्टम है। तो ये इसके अंदर का जो चीज़ है ना, अगले वीडियो में देखेंगे क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। बेसिकली लेज़र है एंड इंटरनेट कैसे काम करता है इसके रिलेटेड भी वीडियोस बनाने का मन कर रहा है यार। तो अगर चाहिए तो वीडियो बताओ यार, हम बना देंगे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रांसमिशन है, क्योंकि ये अगर फुल डुप्लेक्स होता ना तो ट्रांसमिशन रिसीविंग एट अ टाइम होता, बट ये हाफ डुप्लेक्स है। तो ये देखो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ट्रांसमिशन होगा, ये ट्रांसमिशन होगा एंड इसके यहाँ पे भी TX लिखा हुआ है, RX में होना चाहिए बट है चाइनीज ही, तो इसमें क्या बोल सकते हो, रिसीविंग नहीं है। तो ये देखो ये भी TX है, मीन्स ये भी हाफ डुप्लेक्स है। जो फुल डुप्लेक्स वाले होंगे इसमें दोनों के दोनों पोर्ट एनेबल होंगे। तो मैं आपको एक दिखाऊंगा बाद में सुन आने वाले, और एक फुल डुप्लेक्स वाला मीडिया कन्वर्टर। तो यहाँ पे आपका फाइबर लगेगा, दोनों एंड में फाइबर लगेगा, यहाँ पे आपका जो इनपुट होगा एंड यहाँ से आप आउटपुट लोगे। तो इसे फटाफट से हम सेटअप करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि कैसे काम करते हैं और फटाफट इस लैपटॉप में हम चला के दिखाएंगे कि ये पूरा सेटअप के साथ हम चला के दिखाएंगे। तो उससे पहले सेटअप मैं कर लेता हूँ, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट सेटअप कर दिया है। तो देखो यार, मेरा जो घर का जो नेटवर्किंग है, जो मेन गेटवे है, उसके नीचे स्विच लगा
लगा हुआ है एंड इस स्विच से जो कि गीगाबिट स्विच है, तो यहाँ से जो केबल नीचे होके आ रहा है ये हो गया अपना लैंड केबल। अब होगा क्या कि जैसे कि आपके क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है लैंड केबल बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो आप और कॉस्टली होते और आप इसे 100 मीटर के ऊपर लेके जा नहीं सकते, लिंग नहीं कर सकते, तो वहीं पे एक काम आता है आपका मीडिया कन्वर्टर। सपोज आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस में आपका घर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में आपका घर है, तो आप क्या करोगे कि आपका घर है मींस या फिर ऑफिस है, तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या करोगे, एक फाइबर लिंग कर दोगे। आप इथरनेट लैंड केबल ये बिछा सकते हैं, पहली बात तो आप अगर आपके पास पैसा हुआ आपने बिछा भी दिया तो आपका स्पीड ड्रॉप आ जाएगा क्योंकि लैंड केबल 100 मीटर्स तक लिमिटेड होता है। तो उसके जगह में आप क्या करोगे कि लैंड केबल से आप मीडिया कन्वर्टर में कनेक्ट करोगे एंड उससे आप ट्रांसमिशन के लिए आप क्या करोगे कि लैंड केबल का यूज करोगे। लैंड केबल आपने क्योंकि इसका जो वर्किंग होता है 25 किलोमीटर तक मतलब ये काम कर सकता है, तो आप पकड़ लो कि आपको 10 किलोमीटर के अंदर आपको फाइबर लेंगे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, मतलब ये पॉइंट ए ऑफिस हो गया और आपको पॉइंट बी के ऑफिस में आपको डेटा ट्रांसमिशन करवाना है, तो होगा क्या कि आप फाइबर लिंक कर लिया। तो इसका जो फाइबर है ये फाइबर ऑप्टिक केबल है जो कि एक बहुत ही थिन ग्लास के जो ग्लास होता है ना उससे बना होता है, तो इसके भी रिलेटेड बाद में हम वीडियोस लेके आएंगे, तो अभी इसमें ध्यान देते हैं। तो ये फाइबर है, तो इस फाइबर से होते हुए हम लोग बी में आके इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद इससे हम लोग का लैन आउटपुट होगा, जो हम लोग का लैन हम लोग इतना दूर तक मतलब बिछा नहीं सकते। उसके बाद होगा क्या कि ये इस लैन को कन्वर्ट कर देगा, मीन्स लैन केबल को कन्वर्ट करके फाइबर में लेके जाएगा, फिर फाइबर से इसे लैन में कन्वर्ट करेगा एंड ये हमारे पीसी में चलेगी। तो अभी क्या है कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा मैं अपने पीसी को ऑन करता हूँ एंड यहाँ पे हम यूट्यूब ऑन करते हैं। ये देखो मेरा वाईफाई बंद पड़ा हुआ है एंड ऊपर से मैं तुम्हें अपना सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में गए, नेटवर्क पे गए एंड देखो यार हम लोगों का ये USB जो कंट्रोलर है वो काम कर रहा है, मीन्स जो इथरनेट केबल है इथरनेट टू टाइप सी ये वर्क कर रहा है। देखो ये वर्किंग में, अगर मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, सॉरी एक जैसे कि ये अपना कनेक्शन को खोल देता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो गया, मीन्स हम लोगों का डेटा यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है, ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। तो होगा ये कि हम इसे बस कनेक्ट करेंगे वापस से एंड यहाँ पे अगर मैं YouTube प्ले करूँ ना, कुछ भी प्ले करता हूँ, सपोज मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखो नहीं चल रहा डेटा। अब मैं इसे फटाफट से कनेक्ट करता हूँ, हम लोग का डेटा आ जाएगा एंड ये जो जिस प्राइस पॉइंट में आ जाना, मीन ये जो बहुत ही सस्ते वाले मीडिया कन्वर्टर्स होते हैं, देखो ये वापस आ गया एंड यहाँ पे ये भी आ गया, हम लोग का डेटा भी आ गया। अभी इसमें और एक फ़ायदा क्या है कि आपने 100 मीटर के अंदर में आपने लैन केबल से बिछा दिया और आपको जो स्पीड आप इस एंड में मिल रहा है वो सेम फाइबर में आपको स्पीड आपने दूसरे एंड में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसी मतलब ऐसे जो यूज़ के जो सिनेरियो होते हैं जहाँ पे आपको मतलब लंबा एक डेटा ट्रांसमिशन करना होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो हम वहाँ पे फाइबर का यूज़ करते हैं। और या फिर आपका कोई घर हो गया, आपको मतलब स्पीड ड्रॉप मतलब नहीं चाहिए, तो आप उस लैन के जगह में आप फाइबर का यूज़ कर सकते हो इस ट्रांसमिशन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि लैंड केबल के अंदर केबलिंग होता है, तो होता क्या है कि लाइटनिंग के टाइम अगर आपने इसे अंडरग्राउंड दिया तो इलेक्ट्रिक जो क्या बोलते हैं मैं क्या बोलूं मैं जो थंडरस्टॉर्म के वजह से आपका लाइटनिंग के वजह से केबल डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, बट इन फाइबर्स को इनसे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है कि इलेक्ट्रो जो केबल्स होते हैं लैंड केबल, इसमें होता है कि जो PWM सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल्स के ऊपर ऑन ऑफ के ऊपर काम करता है, वेयर एस ये लाइट के ऊपर काम करता है। तो ऑप्टिक में आपका पहली बात तो मेंटेनेंस बहुत कम होता है कंपेयर टू आपका लैंड केबल, आप लॉन्ग मतलब डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग का जो पूरा वर्ल्ड है ना फाइबर से कनेक्टेड है। तो ये एक मैंने सिंपल छोटा मोटा डेमोन्स्ट्रेशन था आप लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग का कैसे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है बड़े बड़े लेवल पे भी, और आप इसे अपने घर के कैसे यूज़ के सिनेरियो पे इसे यूज़ कर सकते हो और या फिर अपने ऑफिस पर्पस में भी कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है ना वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट लाते रहते। मिलते किसी ने एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड पीस आउट, बाय बाय। गाइस इस वीडियो को तुम लोगों ने इतने एंड तक देख लिया है तो बस एक छोटा मोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट तो लाते रहते हैं। ये जो चीज़ें मैं पहले बोल चुका हूँ, ये मुद्दे की बात ये है कि चैनल में जैसे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं एक छोटा मोटा गिव अवे करूंगा जिसमें मीडिया कन्वर्टर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जिसे हम लोग पैच पॉड बोलते हैं, और ऐसे कुछ छोटे मोटे गियर्स जो कि नेटवर्किंग रिलेटेड है, आप जैसे नर्ड्स और मेरे जैसे नर्ड्स लोगों को जो इंटरेस्टिंग लगता है इन सब चीज़ों में, उन सब लोगों के लिए मैं एक छोटा मोटा गिव अवे करूंगा। तो सुन 500 जैसे कंप्लीट होते मैं ये सब करने वाला हूँ, तो चैनल को जल्दी से जल्दी उस लेवल तक पहुँचा दो तो मज़ा आ जाएगा और मुझे भी खुशी होगा कि गिव अवे करने के लिए। और कुछ बोलना तो है नहीं वैसे।